समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता संबल जिले के चंदौसी में बहजोई रोड पर वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विनोद सविता का फूल मालाओं के साथ ही पगड़ी और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा सरकार की नाकामियों को बताया। सपा नेता सतीश प्रेमी ने बताया कि विनोद सविता संबल दौरे के दौरान बहजोई में चौपाल लगाई, जिसमें सविता समाज के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी, तभी कानून का राज कायम हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता जी का संबल जनपद में आगमन था और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो सविता समाज है, नाई समाज है, उसमें जागृति लाने के लिए चौपाल के माध्यम से वो निकले थे और उसी दौरे में आज वो संबल जनपद में आए थे। उन्होंने बहजोई में संबल में चौपाल लगाई, अपने समाज के बीच लोगों को जागृत किया। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे यहाँ आज मेरे निवास पर भी आए थे और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया, पगड़ी पहना करके, शॉल पहना करके, फूलमालाओं से। उन्होंने जो पत्रकार वार्ता की है उसका मकसद केवल ये है कि प्रदेश में जो जनविरोधी सरकार है भाजपा, जिसने किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, दलितों का, पिछड़ों का, जो सबका अहित करने का काम किया है, वो सरकार यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि विगत चुनाव सन्निकट है, 6 महीने में है। और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया, उनको स्वागत भी किया था कि जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे न तो इस प्रदेश में कानून का राज बचेगा, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। यही मकसद था आज हमारा।